चलिए अब हम लोग एक्स लिंक्ड जो बीमारियां हैं इससे होने वाले बहुत सारी बीमारियों के बारे में सीख लेते हैं जो एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम के वजह से होते हैं। और ये बीमारी भी नॉर्मली मेल में ज्यादा होती है, फीमेल में बहुत कम होती है। क्यों ऐसा होता है आप जान चुके हो, बिकॉज एक्स क्रोमोजोम है यही बीमारी लेके आता है। और अगर ये फीमेल में गया तो फीमेल के पास दूसरा एक्स क्रोमोजोम है जो कि इसे क्या करेगा, प्रिटेंड कर देगा, रोक देगा। बट अगर यही मेल में आया तो इसके पास तो वाई होता है और वाई इसे रोक नहीं सकता है, बिकॉज वाई के पास कोई भी एक्स के अलील नहीं होते हैं, ना ही कोई भी जीन्स होते हैं। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना जो कि उसे डोमिनेंट कर सके, उसके कैरेक्टर जो रिसेसिव थे उन्हें डोमिनेंट कर सके, यही इसका बेस्ट रीजन है। ठीक है, सो जो कलर ब्लाइंडनेस है ये भी नॉर्मली एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स है, ये बात ध्यान रखना। एक्स लिंक्ड तो हमेशा जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो रिसेसिव ही होता है ना, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स की वजह से ये होता है, ये बातें आपको समझना है। और जिसे कलर ब्लाइंडनेस होता है वो इंसान रेड और ग्रीन कलर में फर्क नहीं समझ सकता है, उसे रेड और ग्रीन अच्छे से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, वो चाहे रेड देखे चाहे ग्रीन देखे उसे सारा का सारा ग्रे ही दिखेगा। सो अगर कोई ऐसा इंसान है जिसे रेड चीजें नहीं दिखती है या ग्रीन चीजें नहीं दिखती है तो समझ लेना भाई कि उसे कलर ब्लाइंडनेस है, और फिर उसे मतलब आप सब जान सकते हो। ठीक है, तो ये ना रेड दिख पाएगा और ना ही ग्रीन देख पाएगा, ओनली एंड ओनली ये कुछ भी देखे उसे ग्रे ही दिखने वाला है। ठीक है, याद रखना अच्छे से। तो कभी अगर लड़ाई वड़ाई होगी तो समझ लेना कि उसे सब ग्रे दिख रहा है। ठीक है, बाकी आप सब समझदार हो। चलो, और यहाँ पे नेक्स्ट जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी हम समझते हैं कि पहले हम जान लेते हैं कि होता तो एक्स क्रोमोसोम से ही है, और उस एक्स क्रोमोसोम से जो कि रिसेसिव है। ठीक है, जो कि रिसेसिव है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अभी चलो यहाँ पे हम देखते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस अराइज क्यों होता है। तो जो अपनी आईज होती है, आईज में अपने होता है रेटिना, रेटिना से हमको दिखाई देता है, बिकॉज रेटिना एक्ट करता है स्क्रीन के फॉर्म में, और जो भी बाहर से लाइट आती है वो रेटिना में पड़ती है, और रेटिना के पास ऐसे सेंसिटिव सेल होते हैं जो कि कलर को क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। तो जिनको कलर ब्लाइंडनेस होता है उसके अंदर कलर सेंसिटिव जो सेल है वो क्रिएट ही नहीं होते हैं। So, और अपने बॉडी का जो कैरेक्टर है, कोई ऑर्गन है, कोई भी सेल्स है, क्रिएट होने का काम सिर्फ और सिर्फ जीन्स के पास ही होता है, चाहे वो एक्स क्रोमोसोमल जीन्स हो चाहे वो वाई क्रोमोसोमल जीन्स हो। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब कभी भी किसी भी मेल या फीमेल के अंदर रेसेसिव क्रोमोसोम अगर आ जाता है, रेसेसिव के वजह से जो अपना कलर वाले जो सेल है ये इनको क्रिएट ही नहीं करने देता है, रेसेसिव वाला, जिसे हम कैपिटल एक्स स्मॉल सी से डिफाइन करते हैं, ये बातें ध्यान देना। बट जब कभी भी एक्स क्रोमोसोम डोमिनेंट हो जाए, जिसे हम कैपिटल एक्स और कैपिटल सी से डिफाइन करते हैं, तो इस टाइम पे जो कलर सेंसिटिव सेल है ये फॉर्म होते हैं। ठीक है, सो वो बात की बात है कि भाई ये वाला आएगा, डोमिनेंट वाला आएगा या नहीं आएगा, बट जो फीमेल है उनमें ये डोमिनेंट वाला ही आता है, और मेल में अगर आया तो ये चुपचाप आ जाएगा, बिकॉज इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो अगर ये मेल में आया तो प्रॉब्लम है, अगर फीमेल में गया तो उन्हें दूसरा वाला एक्स उसे संभाल लेता है और ये बना देता है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना अच्छे से, आगे हम अभी क्रॉस से समझेंगे सारी चीजें। ठीक है, तो याद रखना जो रेसेसिव वाला है ये कलर वाले जो सेल होते हैं, कलर सेंसिटिव सेल होते हैं, इनको क्रिएट ही नहीं करने देता है रेटिना के पास जो होती है, इन्हें कोन्स भी कहते हैं इन सेल को। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। चलो अभी हम लोग यहाँ पे अच्छे समझते हैं, एक बात तो पक्की हो गई कि एक्स स्मॉल सी ये रेसेसिव होता है, और यही अगर किसी के अंदर आया तो उसके अंदर जो कलर्ड वाले सेल होंगे ये क्रिएट नहीं होंगे। ठीक है, अगर एक्स और कैपिटल सी किसी के अंदर आया तो ये डोमिनेंट होता है, और अगर ये आया तो कलर के जो सेल है ये क्या होंगे, ये फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये बातें ध्यान देना अच्छे से। सो मेल के अंदर नॉर्मल वाली कंडीशन कब आएगी, जब उनके अंदर एक्स वाला ये कैपिटल डोमिनेंट आ जाए। आप देख रहे हो वाई तो कुछ करता ही नहीं है, वाई तो कोई भी यहाँ पे अलील दिखाएगा ही नहीं। ठीक है, तो एक्स वाला है अगर यहाँ पे डोमिनेंट आया तो कोई टेंशन नहीं भाई, मेल बहुत अच्छा होगा। बट अगर यही फीमेल में गया तो उनके पास तो और कोई टेंशन नहीं, बिकॉज इनके पास अगर ये वाला खराब हुआ तो ये वाला इसे फिर से डोमिनेंट कर देता है। ठीक है, ये बातें आपको समझ के रखनी है। और कलर ब्लाइंडेड अगर हुआ तो अगर एक्स सी एक के पास आ गया, एक के पास, देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर एक स्मॉल सी और एक कैपिटल सी अगर फीमेल में आया तो आप बोलोगे ये भी तो कलर ब्लाइंडेड है। मैं कहूंगा बिल्कुल भी ये कलर ब्लाइंडेड नहीं है। वाई कलर ब्लाइंडेड नहीं है, बिकॉज इसके पास एक डोमिनेंट है ना, और यही वाला इसके पास डोमिनेंट एक्सप्रेस हो जाएगा और ये वाला क्या बन जाएगा, रेसेसिव बन जाएगा।
यानी कि ये वाला उसके बॉडी में ये जीन्स रहेंगे तो, बट एक्सप्रेस नहीं होंगे फिजिकली, ठीक है, मतलब बॉडी में दिखेंगे नहीं, ठीक है, अपने कैरेक्टर को ये एक्सप्रेस नहीं करेगा, क्योंकि एक्सप्रेस तो डोमिनेंट वाला होगा और फीमेल अच्छी रहेगी। हाँ, बट उसके पास क्रोमोजोम रहेंगे कलर ब्लाइंडनेस के, उससे प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, ठीक है। हाँ, लेकिन इसके हो सकता है कि आगे की जनरेशन में ये प्रॉब्लम कर दे, ठीक है, आगे की जो इसकी जनरेशन होगी उसमें जा सकते हैं, बट इसको कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये बातें ध्यान रखना अच्छे से। चलो, तो यहाँ पे अगर एक्स यहाँ पे देखो आ गया फीमेल, तो ये भी ठीक है, बट अगर यही देखो स्मॉल स्मॉल दोनों हो गए जब फीमेल के अंदर, देखो दोनों स्मॉल है तो ही होता है, और ऐसी कंडीशन जल्दी आती ही नहीं है फीमेल के अंदर कि दोनों एकदम सही हो, ठीक है, और मेल में कोई कैरियर होता ही नहीं है जल्दी से, बिकॉज मेल में कैरियर कैसे होगा, अगर एक्स कैपिटल सी आया तो ये कैरियर थोड़ी है, कैपिटल सी अगर आ गया तो ये तो सीधा बेचारा नॉर्मल इंसान है, बट अगर स्मॉल सी आया तो सीधा कलर ब्लाइंडनेस, तो कैरियर होने का चांस ही नहीं है, ठीक है। बट अगर यही फीमेल के अंदर आ गया, सो फीमेल के अंदर अगर ये है तो एक अगर कैपिटल एक स्मॉल है, तो ये जो कैपिटल वाला है ये तो डोमिनेंट है, ये बीमारी होने नहीं देगा, बट फिर भी वो फीमेल कैरियर होगी, यानी वो फीमेल के पास कलर ब्लाइंडनेस के क्रोमोजोम रहेंगे, जो कि करवा सकते हैं क्रोमोजोम, बट उस फीमेल को नहीं होगा, उसके आगे की जनरेशन में वो पास हो सकते हैं, उसके आगे की जनरेशन वालों को जो उसके सन एंड जो डॉटर्स होंगे उनको ये मतलब स्प्रेड कर सकती है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, और ऐसा ही नॉर्मली होता भी है, ठीक है। तो चलो अभी आपको समझना है अच्छे से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो अब ये कैसे आगे स्प्रेड होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पूरा मैरिज के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। चलो, तो अभी हम समझते हैं, यानी कि यहाँ पे जीन्स की प्रॉब्लम जो आती है ये फीमेल की वजह से आती है, और यही स्प्रेड करते हैं, इन्हीं के वजह से सारी प्रॉब्लम होती है। अगर इनके पास ये कैरियर ना हो, बिकॉज इनको तो कुछ नहीं हो सकता, ये आगे स्प्रेड कर सकते हैं। अगर मेल ऐसा है तो कोई टेंशन नहीं है, कैपिटल सी वाला अगर मेल है तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ये जब स्प्रेड कर देंगे तो फिर मेल को भी हो जाता है, इसीलिए कभी भी टेस्ट करवा लेना चाहिए कि भाई किस मेल को फीमेल को है ऑलरेडी या नहीं है, बिकॉज मेल को स्टार्टिंग में पहले से होता ही नहीं है, इनको जब फीमेल आगे ट्रांसफर करती है रिसेसिव तभी इन्हें होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, तो कभी भी मैरिज के पहले टेस्ट वगैरह मतलब होना बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो, तो अभी हम लोग यहाँ पे समझते हैं, अगर मान लो कोई भी एक कलर ब्लाइंडेड मेल है, मान लो ऐसा कलर ब्लाइंडेड मेल हो गया, ठीक है, कलर ब्लाइंडेड मेल है, ठीक है, विद नॉर्मल फीमेल, और किसी फीमेल को है ही नहीं, बिकॉज वैसे भी फीमेल को जल्दी होता ही नहीं है, ठीक है। तो अगर नहीं है और कलर ब्लाइंडेड मेल है, इन दोनों में मैरिज हुई, ठीक है, सो आगे का जो नॉर्मल विजन वाला यहाँ पे चाहे वो मेल हो या फीमेल हो प्रोड्यूस होगा, वाई ऐसा अभी हम देखेंगे, ठीक है। जो भी आगे का रिजल्ट आएगा ये नॉर्मल वाला होगा, ठीक है, ये क्यों होगा ये अभी हम समझते हैं। अगर नॉर्मल है अपना, नॉर्मल मेल है, ठीक है, और अगर जो फीमेल है ये किसका है, इसको मान लो कि अगर कलर ब्लाइंडेड है, अच्छा मैं मान लेता हूँ कि ये भी नॉर्मल है, मतलब अगर मेल नॉर्मल है और फीमेल मेल जो है यहाँ पे कलर ब्लाइंडेड है और जो मेल है ये नॉर्मल है, तो अगर इन दोनों में मैरिज हुई, सो जो आगे का जो भी मतलब जनरेशन आएगी वो जनरेशन कलर ब्लाइंडेड यहाँ पे नहीं होगी, वो भी नॉर्मल कहलाएगी, ठीक है। यानी कि मेल क्या है, उसको कलर ब्लाइंड है, लेकिन फीमेल है उसको कलर ब्लाइंड नहीं है, ठीक है, और इन दोनों में मैरिज हुआ तो जो जनरेशन आएगी वो क्या होगी, अच्छा होगा, ठीक है। देखो, बिकॉज मेल यहाँ पे कुछ भी इनको डिफेक्ट नहीं डालते हैं, ठीक है, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, इसीलिए कहते हैं ना कि जो मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो में फीमेल मॉस्किटो ही हमेशा ब्लड को अंदर की तरफ इंजेक्ट करवाता है अपने बॉडी में, यही सिर्फ जो एनाफिलस मॉस्किटो है यही सिर्फ खून चूसता है, ठीक है, लेकिन मेल कभी खून नहीं चूसते, ठीक है, ये बातें ध्यान रखना अच्छे से। सो यहाँ पे जो अभी मेल है ये कभी स्प्रेड नहीं करते, अगर यहीं पे कहीं फीमेल को होता तो ये प्रॉपर स्प्रेड कर देता, ठीक है, ये बातें ध्यान रखना, बिकॉज ये कोई बीमारी अपने पास रखना नहीं चाहते, और लेकिन जो मेल है इनके पास पेशेंस होता है, ठीक है। चलो, तो अभी यहाँ पे हम समझते हैं एक अच्छे से कि कलर ब्लाइंडेड अपने पास मेल है और नॉर्मल अपने पास फीमेल है। कलर ब्लाइंडेड मेल मतलब कैपिटल एक्स और स्मॉल सी रहेगा, स्मॉल सी क्या दिखाता है अपना जिसको कलर ब्लाइंडेड है, और कैपिटल सी क्या दिखाता है जिसको नहीं है, ठीक है। तो इनमें पहले ये एक गैमेट आ गया, फिर दूसरा गैमेट आ गया, ऐसा क्रॉस तो हमने कितने बार किया है कि एक एक बार निकाल लो, फिर इसका एक बार यहाँ पे देखते हैं अच्छे से, एक बार पहले इससे और एक बार इसके वाले से, ठीक है, ऐसा करने का। देखो ये यहाँ पे एक मिला, फिर दूसरा इसी का, फिर इसी का, देखो यहाँ पे ध्यान दो, इसी वाले का इसके दूसरे के साथ, इसके देखो यहाँ पे दूसरे के साथ, फिर या वाई वाला उठाते हैं तो वाई वाला और फिर इसके साथ, और फिर से वाई वाले को फिर इसी के साथ, ठीक है। तो ये अपने को यहाँ पे रिजल्ट मिला,
रिजल्ट में क्या देखने को मिला कि देखो भाई अभी यहाँ पे डॉटर भी आएगा और यहाँ पे मेल भी यानी सन भी आएगा, ठीक है, यानी कि डॉटर और सन दोनों आएंगे। तो अब हम देखते हैं कि किसके पास अपना जो प्रॉब्लम है यानी कि जो कलर ब्लाइंडेड है वो डॉटर के पास जाएगा या अपने सन के पास जाएगा। जब मेल को क्या होगा, मेल को ध्यान देना अच्छे से, जो मेल होता है जब उसको कलर ब्लाइंडेड हो और फीमेल को कलर ब्लाइंडेड नहीं हो और इन दोनों में मैरिज हो, सो जब कभी भी आगे की जनरेशन आएगी अगर डॉटर हुआ तो उसको कलर ब्लाइंड रहेगा या फिर जब मेल हुआ तो उसको कलर ब्लाइंड रहेगा, ये हमको पता करना है। तो कभी भी आप यहाँ पे खुद देख लो, जो यहाँ पे डॉटर है क्योंकि डबल एक्स वाला डॉटर होता है, यहाँ पे देखो स्मॉल सी दिख रहा है ना, भले डॉटर में यहाँ पे ना हो कलर ब्लाइंड, उसमें ना दिखे, डॉटर में कलर ब्लाइंड नहीं दिखेगा बिकॉज उसके पास डोमिनेंट एक एक्स कैपिटल सी है जो कि इसको ये सप्रेस कर देगा, बट ये एक्स स्मॉल सी को तो अपने पास कैरी करेगा ना, यानी कैरियर तो रहेगा ना इस डॉटर में भले ना दिखे। जो ये डॉटर बना है इस वाले पूरे मैरिज के क्रॉस से, तो ये डॉटर जो आई है ये डॉटर में भले कलर ब्लाइंड ना हो बट इसके पास उसके जीन्स तो है कि नहीं है, ये बातें ध्यान रखना। और ये आगे फैला सकती है यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें इसके वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, बट यहाँ पे सन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज इनके पास एक्स कैपिटल सी है, ठीक है, यहाँ पे ये सारा मदर का लव है, ठीक है, ये बातें ध्यान रखना बिकॉज मदर यहाँ पे है जो इन्होंने पूरी कैपिटल एक्स सी को स्प्रेड किया है और मेल ने भी अपने अंदर के एक्ससी को बोला कि भाई मैं मेल को अब नहीं दूंगा, ठीक है, मैं दूंगा फीमेल को ही चाहे जो भी हो जाए। तो यही यहाँ पे सारी प्रॉब्लम है, यही सारी चीजें अच्छाइयां और बुराइयां दोनों है। तो सन को नहीं होने वाला है, अगर मेल को है और फीमेल को नहीं है तो यहाँ पे जो मदर है वो बचा लेगी, ठीक है, ये बातें ध्यान रखना अच्छे से मेल को, ठीक है, और डॉटर तो बेचारी बिता गई काम से, ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं। बट फिर भी इतना होगा कि डॉटर को उस टाइम पे नहीं होगा, उसकी आगे की जनरेशन में होगा, ठीक है। तो चलिए फिर अभी हम इसी चीज को समझते हैं कि अब आगे की जनरेशन, ठीक है, अभी क्या हो चुका है, डॉटर को हो चुका है, ठीक है, बट सन को अभी नहीं है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, सन में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट डॉटर को हो गया है। अब डॉटर की आगे ही चल के मैरिज हुई, और जब ये डॉटर की मैरिज हुई और नॉर्मल मेल से हुई, इस बार डॉटर के पास तो कैरियर है ना, यही देखो आया था ना, डॉटर के पास कैरियर है और इस बार नॉर्मल मेल से इसका क्या हुआ, मैरिज हुआ। सो अब क्या होगा, तो यहाँ पे देखो जरा आपको जो रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा, तो देखो मेल के पास तो कोई भी नहीं है ना, लेकिन इस बार इस डॉटर के पास जो इसके फादर से आई थी, तो इसके जो आगे की जनरेशन है, ये जनरेशन में इस फादर की वजह से उसकी आगे की जनरेशन डिफेक्ट हुई, समझा कि नहीं। वो जो मेल था जो वहां पे एबनॉर्मल था, उसने आगे की जनरेशन, वो भी डॉटर वाली आगे की जनरेशन में इसने प्रॉब्लम कर दिया, समझा कि नहीं अच्छे से। उसने खुद की जनरेशन को बचा लिया लेकिन आगे की जनरेशन में उसके प्रॉब्लम आ गई, और वो भी किसकी वजह से, डॉटर की वजह से स्प्रेड हुआ, ना कि सन की वजह से, ठीक है, ये बातें ध्यान रखना अच्छे से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी कभी भी कोई भी कंडीशन आई, सो यहाँ पे हमेशा याद रखना आप लोग, देखो यहाँ पे नॉर्मल मेल यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, फिर देखो यहाँ पे कलर ब्लाइंडेड मेल भी हो सकता है, और यहाँ पे कैरियर फीमेल वापस से और नॉर्मल फीमेल भी हो सकती है, तो सबके 25-25% चांसेस है, यहाँ पे कोई भी कैसा भी आ सकता है, यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि यही आएगा बिकॉज ये तो फिर जीन्स के ऊपर है ना, कि मतलब कैसा जीन्स का होता है, ठीक है, जो भी यहाँ पे फ्यूजन होगा, बिकॉज ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ना ही किसी केमिकल ना ही किसी हार्मोन के कंट्रोल में होता है, ठीक है, ये जैसा भी जो जीन्स पहले आया वही जीन्स अटैच होता है और नॉर्मली यहाँ पे सारी चीजें क्रॉस हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमें मिलेगा ये पूरा का पूरा 25-25% चांसेस होंगे कलर ब्लाइंडेड होने के, ठीक है। यहाँ पे अपना कैरियर फीमेल तो फिक्स है भाई, और नॉर्मल फीमेल भी फिक्स है, बट यहाँ पे नॉर्मल मेल एकदम 100% फिक्स है, ठीक है, लेकिन कलर ब्लाइंडेड अगर मेल हुआ, देखो यहाँ पे एक चीज सीखने को मिल रही है कि अगर यहाँ पे देखो फीमेल आई तो ये नॉर्मल हो सकती है, ठीक है, भले इसके पास एक एक्स स्मॉल सी हो कैरी करे, लेकिन अगर यही कहीं मेल के पास गया तो नॉर्मल मेल होने का कोई चांस नहीं है, बिकॉज अगर एक्स स्मॉल सी मेल के पास गया तो इसे होना फिक्स है, ठीक है, या तो मेल जो हो एक्स कैपिटल सी को ही कैरी करे यानी कि डोमिनेंट वाला, अगर उसने स्मॉल वाले को कैरी किया तो उसे प्रॉब्लम है, उसे सीधा कलर ब्लाइंडनेस ही होगा, लेकिन